लोग देखो बॉट लॉबी ग्लिच की मदद से मैंने 10 किल कर लिया और लास्ट बंदा बचा है, और 11 किल करके मैंने यहाँ पर बॉट लॉबी ग्लिच की मदद से बोया कर लिया और मेरा मास्टर 2 हो गया है, और सोलो में मेरे को 31 का प्लस मिला है सिर्फ बॉट लॉबी ग्लिच की मदद से। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सभी का, होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना मेरे भाई। तो फाइनली हम लोग सोलो में बॉट लॉबी ग्लिच लेकर के आ गए, हमको मिल गया है कि सोलो में बॉट लॉबी ग्लिच कैसे लेकर के आ सकते हैं, और इस गेम में इतना तगड़ा बॉट लॉबी आया है ना यार, हमने 11 किल के साथ मैच को बोया कर लिया और उसमें से 7 को तो हमने सिर्फ हेडशॉट मारा है, एंड हमारा मास्टर 2 भी लग गया जिसमें हमको सोलो में 31 का प्लस मिला। और भाई मैंने तुम्हें कल की वीडियो में बताया था कि हमारे सेकंड चैनल पे एक न्यू क्लैश ऑफ क्लैन की वीडियो अपलोड हो गया, तो प्लीज उसे जाकर के देख लो, क्योंकि जो उस वीडियो के नीचे कमेंट करेगा एंड उस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको हम लोग देने वाले हैं स्पेशल शाउट आउट। एंड वैसे तो इस गेम में मैं टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बना रहा था, लेकिन मैं स्टार्टिंग का गेम प्ले रिकॉर्ड किया था एंड मैंने सोचा बॉट लॉबी ऐसे ही आ गया, लेकिन फिर मेरे को एक ग्लिच पता चला जब मैंने रिकॉर्डिंग को रीप्ले पे देखा, तो मेरे को पता चला कि बॉट लॉबी एक्चुअल में आया कैसे था। एंड ये बॉट लॉबी ग्लिच ना सिर्फ सोलो में वर्क करने वाला है, और ऐसा नहीं है कि बॉट लॉबी इस ग्लिच की मदद से सिर्फ एक गेम में आया, मैंने एक और गेम खेला उसमें भी बॉट लॉबी आया, लेकिन फिर थर्ड गेम में बॉट लॉबी नहीं आया, लेकिन फिर फोर्थ गेम में आ गया। मतलब ये ग्लिच ना 10 में से सिर्फ 6 या 7 गेम में वर्क करने वाला है, पहले ही बता दूं। और भाई बहुत से बंदे ना बिना वीडियो को देखे स्किप कर करके कमेंट करते कि भाई तेरा ग्लिच वर्क नहीं करता है, तो भाई जिनके लिए मैं ग्लिच प्रोवाइड करा रहा हूं ना उनको पता है ये ग्लिच वर्क करता है या नहीं, तुम लोग का कमेंट में सिर्फ हगने का काम है और तुम लोग हगते रहो। कुछ बंदे इन्हीं ग्लिच को यूज करके भाई कमेंट में बताते कि भाई हमने 10,000 लाइक कर लिए, 20,000 लाइक कर लिए, हमारा इतना रैंक प्लस हो गया, और भाई जिनका सिर्फ फालतू का काम है ना सिर्फ कमेंट में हगने का, उनका भाई कुछ नहीं हो सकता। तो भाई ये वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे अगर आप लोग भी सोलो में रैंक कुछ करना चाहते हो। अब देखो बात कर लेते हैं मेरा बॉट लॉबी एक्चुअल में आया कैसे। तो मैंने जैसे ही रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया, सबसे पहले तो जो मैं पहले ग्लिच करता था मतलब क्लियर कैच कर दिया मैंने 2-3 बारी एंड गेम को स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग मूड ये है कि पहले जो हम लोग सोलो में बॉट लॉबी ग्लिच करते थे उसके लिए हम लोग 10, 11, 9, 8 का एस्टिमेटेड लॉबी लेकर के आते थे, लेकिन अपडेट के बाद हमको 1.30 का लॉबी लेकर आना है। एंड पहले तुम लोग यहाँ पर बॉट लॉबी देखो यार, लॉबी देखो तुम लोग कितना नूब आया है। देखो यार कुछ बंदों को लगता है कि भाई बॉट लॉबी का मतलब होता है कि भाई बॉट प्लेयर जो हमको गोली भी नहीं मारेंगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बॉट सिर्फ एक टाइटल होता है। एक्चुअल में जो लॉबी होती है वो नूब लॉबी होती है। नूब का मतलब ऐसे प्लेयर जो 30-40 लेवल के प्लेयर होते हैं जिन्होंने आजकल में गेम को स्टार्ट किया है खेलना, जिनको अभी गेम को खेलते हुए सिर्फ 1-2 महीना हुआ है और जिनका रैंक प्लेटिनम डायमंड होता है। यहाँ पर देखो बॉट लॉबी की मदद से भाई मैंने 4 किल ऑलरेडी कर दिया था। मैं तुमको पूरा गेम नहीं दिखाने वाला हूँ, 15 मिनट का गेम प्ले का रिकॉर्डिंग देख के तुम लोग का टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पर देखो मैंने मिशन खरीदा था फैक्ट्री से एंड मैं आ गया हूँ पूछी नॉक पे, क्योंकि यहाँ पर मेरा मिशन घूम रहा था। और बॉट लॉबी नहीं है, नूब लॉबी है। तो नूब मतलब जो 30-40 लेवल के प्लेयर है वो घर के ऊपर कैंप कर रहा था, तो नूब प्लेयर है तो भाई सीढ़ी से सीधा जाता तो हेडशॉट लग सकता था। मैंने पीछे से थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया एंड बंदे को सरप्राइजली हेडशॉट मार दिया। यहाँ से एक और मिशन खरीदने के बाद मैं चला जाता हूँ बीमा शक्ति एंड उधर भी मैं ऐसे ही बॉट लॉबी की मदद से किल करता रहता हूँ। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि भाई बॉट लॉबी लेकर के कैसे आना है और हमारे गेम में अभी तक बॉट लॉबी क्यों नहीं आ रहा था, देखो सबसे पहला रीजन ये है कि ये वाला जो सीजन है ना बहुत ज्यादा बड़ा है। हमारा एक्चुअल में ये सीजन जो है एस्टिमेटेड 3 मंथ्स का सीजन है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में हम लोग का बॉट लॉबी नहीं आ रहा था। अभी हम लोग के सीजन BR का जो सीजन 33 है इसको 1 मंथ होने वाला है, तो इसलिए धीरे धीरे बॉट लॉबी आने लग गया है। और बहुत से प्लेयर को ऐसा लगता है कि भाई गोल्ड सिल्वर डायमंड में भी बॉट लॉबी आता है, तो भाई उसमें तो आ जाता है और उसमें कभी कभी अच्छा भी लॉबी आता है, लेकिन बॉट लॉबी ज्यादातर हम लोग का आता था मास्टर और ग्रैंड मास्टर रैंक पे। जितने भी ग्रैंड मास्टर प्लेयर हैं आप लोगों ने पिछले सीजन देखा होगा उन लोग का KD 20, 30, 40 तक का KD रहता था भाई, जिसकी वजह से उन लोग का मास्टर शो होता था, ग्रैंड मास्टर शो नहीं होता था। एंड भाई इनका इतना ज्यादा KD इसीलिए रहता था क्योंकि बॉट लॉबी ज्यादातर मास्टर और ग्रैंड मास्टर रैंक पे आता था। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से प्लेयर को लग रहा है भाई डायमंड पे हम लोग बॉट लॉबी लेकर के आएंगे ग्लिच करके, हीरोइक पे हम लोग बॉट लॉबी लेकर आएंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बॉट लॉबी पहले ही बता दूं, बहुत सारे क्रिएटर है जो भाई ये नहीं बताते कि बॉट लॉबी कौन से रैंक पे आने वाली है। भाई बॉट लॉबी सिर्फ मास्टर और ग्रैंड मास्टर रैंक पे जल्दी से आती है, ये जो नूब लॉबी है ना ये मास्टर और ग्रैंड मास्टर रैंक पे आती है। डायमंड और हीरोइक पे तो भाई जो नॉर्मल लॉबी होते हैं वही आपकी आने वाली है, चाहे आप इस ग्लिच को यूज करो। हाँ ऐसा हो सकता है कि आपकी गेम में 40-50 लेवल के प्लेयर कभी कभी इसको खेल करके आ जाएं, लेकिन जो ज्यादा न्यू प्लेयर होते हैं, जो न्यू प्लेयर्स होते हैं ना वो आप लोग के मास्टर और ग्रैंड मास्टर रैंक पे आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको मास्टर तो पुश करना पड़ेगा। और मेरा रैंक भी अभी मास्टर 2 होने वाला है, तो इसीलिए मेरा गेम में थोड़ा बॉट लॉबी मतलब नूब लॉबी टाइप आया है। और यहाँ पर मैंने 8 किल कर लिया, 4 बंदे अभी भी बचे थे, मैं यहाँ पर व्हीकल लेके घूम रहा था। और जैसे मैंने तुम्हें वीडियो
को स्टार्टिंग में बताया कि भाई तुम लोग का जो एस्टिमेटेड मैच मेकिंग होता है ना वो तुमको 130 से ऊपर का रखना है, तभी तुम लोग का बॉट लॉबी गेम में आने के चांसेस रहेंगे। और तुम लोग का रैंक भाई मास्टर तो होना चाहिए, मतलब जो रैंक स्कोर होना चाहिए वो 3000 होना चाहिए। एंड तुम लोग मैच स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लियर कैच सैंड रिपोर्ट कर देना, एंड अगर एक गेम में नहीं आता है तो एक बार गेम को रीस्टार्ट कर लेना। एंड भाई होप मत तोड़ना, मतलब बॉट लॉबी आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो पिछले सीजन हम लोग का गेम में इसलिए एकदम से बॉट लॉबी आ गया था क्योंकि पहले के जो सीजन होते थे वो 2 मंथ 1 मंथ 30 डेज 29 डेज के होते थे, इसलिए वो लोग स्टार्टिंग में ही मास्टर रैंक पे बॉट लॉबी दे देते थे। लेकिन ये जो बीआर रैंक का सीजन 33 है ये बहुत बड़ा था, इसीलिए अभी स्टार्टिंग में हम लोग को बॉट लॉबी नहीं दिया। लेकिन जैसे ही इस सीजन को 1 मंथ हो जाएगा ना तो तुम लोग को भी बॉट लॉबी देना चालू कर देगा। अभी थोड़ा तुमको ग्लिच करना पड़ेगा बॉट लॉबी के लिए, लेकिन बाद में तुम लोग का बॉट लॉबी नूब लॉबी खुद से आ जाएगा जब सीजन को 1 मंथ 1.5 मंथ हो जाएगा। एंड मेरे हिसाब से गैरिना ने ये सब इसलिए किया क्योंकि भाई प्लेयर्स का डिमांड था कि भाई ओल्ड रैंक सिस्टम लाओ, तो गैरिना ने भाई रैंक सिस्टम को ही बहुत ज़्यादा हार्ड क्रिएट कर दिया। एंड यहाँ पर देखो मैंने 10 किल कर लिया, 11वां बंदा नीचे लेटा, इसको हेडशॉट मार के मैं इस मैच को बोया कर लेता हूँ एंड मास्टर 2 पे पहुंच जाता हूँ। लेकिन मेरा गेम का एक्सपीरियंस है कि भाई कुछ टाइम बाद बॉट लॉबी आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड भाई आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी रैंक पुश कर पाए। एंड गाइस पहले ही बता दूं कि ये ग्लिच अभी सिर्फ 90-80% वर्क कर रहा है, तो भाई कोई भी कमेंट में फालतू कमेंट मत करना।